अच्छी आदतों का होना अपने में एक गिफ्ट की तरह है। आपकी अच्छी आदतें आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। सीधी सी बात है, आपकी अच्छी आदतें आपको सकारात्मक से बढ़ने की इंस्पिरेशन देती हैं। वही अगर आप बुरी आदतों को अपनाते हैं तो आप खुद के जीवन को सफलता से बहुत दूर ले जाते हैं। अब सोचिए कि आप अपने काम को समय पर पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं और आप अपने काम के साथ अपने स्वास्थ्य अपने परिवार का भी ख्याल रखते हैं, तो वही आपके पड़ोसी अपने हर दिन को यूं ही मौज मस्ती में गुजार देते हैं और स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसी बैड हैबिट्स के साथ रहते हैं। हालांकि आप दोनों अपने अपने जीवन में अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छी आदतों के साथ अपने पड़ोसी से जल्दी और ज़्यादा सफल हो सकते हैं और ख़ुद को एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के रूप में देख सकते हैं, तो वही उसके सफल होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। इसी को बहुत अच्छे से समझाने के लिए हम एक बेहतरीन बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, द हाई जिसे मेल रॉबिन्स ने लिखा है। इसके साथ ही आपने बच्चों को देखा होगा, जब बच्चा कोई काम करता है और जब आप उस काम को देखकर उस बच्चे की बड़ाई करते हैं और उसे एक मामूली सा हाई फाइव देते हैं तो उससे वो बच्चा मोटिवेटेड हो जाता है और उस काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा सा हाई फाइव उसे बच्चे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक इसी तरह एक हाई फाइव आपके जीवन में भी बेहतर बदलाव ला सकता है। चैप्टर वन, आप एक हाई फाइव को डिजर्व करते हैं। अगर आप अपने जीवन से ज़्यादा सेलिब्रेशन वैलिडेशन लव और एक्सेप्टेंस और ऑप्टिमिज्म चाहते हैं तो इन चीज़ों को अपने आप को देने की प्रैक्टिस करें। सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके साथ शुरू होता है। अगर आप खुद अपने सपनों के लिए खुश नहीं होंगे तो आपके अलावा और कौन आपके सपनों के लिए खुश होगा। अगर आप खुद को शीशे में नहीं देख सकते और किसी को प्यार करने लायक नहीं देख सकते तो कोई क्यों देखेगा और कोई और आपसे प्यार क्यों करेगा। हर किसी के बारे में बात करते हुए जब आप सीखते हैं कि खुद से प्यार और खुद का सपोर्ट कैसे करें तो यह आपके जीवन में हर रिश्ते की मदद करता है। जब आप खुद का सेलिब्रेशन मना सकते हैं तो आप यह आपको दूसरों के लिए अच्छे से खुश होने में मदद करता है। फिर चाहे वो आपके दोस्त आपके सपोर्टर आपका परिवार आपके पड़ोसी और आपका पार्टनर क्यों ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद के साथ आपका रिश्ता जीवन में आपके हर रिश्ते की नींव है। मतलब आप खुद के साथ जैसा रिश्ता रखते हैं ठीक वैसा ही रिश्ता आप दूसरों के साथ बनाते हैं। आप खुश तब नहीं होते हैं जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, बल्कि आप खुश होने के लायक हैं जैसा कि आप हैं, जहाँ आप हैं और जहाँ आप अभी आज से शुरू हो रहे हैं। आप न सिर्फ इसके लायक हैं साथ ही आपको इसकी ज़रूरत भी है। चैप्टर टू, हाई फाई हैबिट एक गेस्चर नहीं है, यह सेल्फ वेरिफिकेशन है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति में हैं। खुद को पहचानने और खुद की बढ़ाई करने के लिए कोई खास मौका नहीं होता। अब अगर आप बॉक्सर शॉर्ट्स एक रैटी क्लॉथिंग अपने एक्सरसाइज गियर या अपने जन्मदिन के सूट में खड़े हैं तब भी शीशे के सामने जाकर खुद की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करें। जब आपका हाथ शीशे को हाई फाई देता है तो आप देखना सुनना और बढ़ाई महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपका हाथ उस शीशे से टकराता है आपका मूड अकेले ऐसी चीज़ नहीं होगा जो बदल सकता है। इसके साथ ही आपका नज़रिया भी बदल जाता है या आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आज आप कौन सा बड़ा काम करना चाहते हैं या किस बड़े काम को आपको पूरा करना चाहिए। तो इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए आप अभी जैसे भी स्थिति में हो बस खड़े हो जाएं और शीशे में खुद को देखें, फिर अपने इनर सेल्फ को महसूस करें और उससे पूछें कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। हालांकि आपने पहले भी अपने ज़रूरी कामों को पूरा करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनाई होगी, और अगर नहीं बनाई है जल्दी एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें अपने उन सभी ज़रूरी कामों को शामिल करें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं।
फिर शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछे कि आपकी टू डू लिस्ट में शामिल किए गए कामों में से कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखें, ऐसा करते हुए बिना मतलब के कामों पर फोकस करने से बचें, क्योंकि ऐसा करते समय लोग अक्सर हर किसी और बाकी सब कुछ पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक काम को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा करने के बजाय हाई फाइव की अभ्यास करें और सोचें कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं और आप कैसे दिखना चाहते हैं। चैप्टर 3 रिसर्च इसका सपोर्ट करता है। एक हाई फाइव की मोटिवेशनल पावर को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है। इसको अपने जीवन में हासिल करने के लिए वास्तव में तब तक इंतज़ार करें जब तक आप यह ना सुने कि रिसर्चर्स ने चुनौती से भरे कामों के सामने बच्चों को मोटिवेट करने के सबसे अच्छे तरीकों को पता लगाते समय हाई फाइव के बारे में क्या खोज की है। इसका पता लगाने के लिए एक रिसर्च में स्कूल एज कैटेगरी के बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया था और उन्हें कुछ मुश्किल काम को पूरा करने के लिए कहा गया था। फिर रिसर्चर्स ने उन्हें इंसेंटिव के 3 अलग अलग रूपों में से एक दिया। बच्चों को या तो उनकी एक स्पेशलिटी के लिए बढ़ाई की गई थी, जैसे आप बहुत स्मार्ट हैं या आप बहुत ब्रिलियंट हैं, या उन्हें बताया गया कि वे कड़ी मेहनत कर रहे थे और उनकी कोशिश के लिए उनकी बढ़ाई की गई थी, जैसे आप वास्तव में डेडिकेटेड हैं, या उन्हें बस एक हाई फाइव दिया गया था। हाई फाइव लेना उनके लिए सबसे अच्छा मोटिवेशनल था। जैसे कि हम अक्सर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए करते हैं, उन्हें किसी भी काम में आगे बढ़ाने के लिए हम उन्हें हाई फाइव देते हैं जिससे वे आगे बढ़ते हैं। रिसर्च में बताया गया है कि जिन बच्चों को बताया गया था कि वे स्मार्ट, ब्रिलियंट या स्किल्ड थे, वे कम से कम मोटिवेटेड थे और उन्हें कम से कम मज़ा आया था, जबकि जिन बच्चों की उनकी कोशिश के लिए पढ़ाई की गई थी उन्होंने ज़्यादा खुशी महसूस की और मजबूती से हाई लेवल की परफॉर्मेंस थी। लेकिन जिन बच्चों को एक मामूली हाई फाई मिला उन्हें खुद के बारे में और अपनी कोशिशों के बारे में सबसे पॉजिटिव महसूस किया और वे गलतियाँ करने के बावजूद सबसे लंबे समय तक मजबूती से चलते रहे, जिससे वास्तव में रिजल्ट इतने साफ थे कि रिसर्चर्स ने इस रिसर्च को हाई फाई मोटिवेट कर टाइटल दिया और इसे साइकोलॉजी में एकेडमिक जर्नल फ्रंटियर्स में प्रकाशित किया। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि एक छोटा सा हाई फाई आपके रिजल्ट को पूरी तरीके से बदल सकता है और आपको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर सकता है। चैप्टर 4 हाई फाई आत्मविश्वास और एक चैम्पियन को कैसे बिल्ड करें। एक हाई फाई आपको अपने आप में और अपने जीवन में जीतने की आपकी क्षमता में भरोसा बनाने में भी मदद करता है। यूसी बर्कले के रिसर्चर्स ने NBA खिलाड़ियों की सफलता की हदों के बारे में पता लगाने के लिए स्टडी की थी, जिसका पता लगाने के लिए एक सीजन की शुरुआत में उन्हें रिकॉर्ड किया कि कितनी बार खिलाड़ियों ने एक दूसरे को हाई फाई और इनकरेजमेंट के दूसरे सिग्नल्स दिए, जैसे फर्स्ट बम्प। सीजन की शुरुआत में एक गेम के साथ हाई फाइव का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने भविष्यवाणी की सीजन के आखिर में कौन सी टीम्स के पास सबसे अच्छे रिकॉर्ड होंगे। सबसे बेहतर NBA टीम्स जिन्होंने चैम्पियनशिप में जगह बनाई वो थे जिन्होंने सीजन की शुरुआत में सबसे ज़्यादा हाई फाइव दिया। अब सवाल यह बनता है कि एक मामूली हाई फाइव सकारात्मक परिणाम की इतनी अच्छी भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। असल में यह सब कुछ भरोसे पर आता है कि जिन टीम ने लगातार हाई फाई दिए वे एक दूसरे को ऊपर उठाते रहे। फिजिकल टच कहता है, मुझे आपका सपोर्ट मिल गया है, चलो चलते हैं। हम सभी के पास एक दूसरे का सपोर्ट मौजूद है। इसके साथ ही हाई फाई के बहुत सारे फायदे हैं। यह आपको एक बुरे खेल को दूर करने में मदद करता है। यह आपके मूड को बढ़ाता है। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस का इन्फ्यूज़न करता है और आपको याद दिलाता है कि आप अभी भी जीत सकते हैं। हाई फाई देने वाली टीम्स ने एक दूसरे पर और एक टीम के रूप में जीतने की अपनी क्षमता पर भरोसा किया और वे सभी इस तरीके से खेल रहे थे जैसे वो सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। उनके जरिए शेयर की गई भरोसे की शक्ति ने उन्हें चैम्पियन बना दिया। इसके अलावा जिन लोगों ने बिल्कुल भी हाई फाइव का इस्तेमाल नहीं किया था या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया था वे लोग बुरी तरीके से हार गए। इसके साथ ही जिन लोगों ने सिर्फ खुद पर भरोसा करके खेला उनका रिकॉर्ड सबसे बेहतर था।
यहाँ तक कि ऊपर एक टीम के पास अच्छे खिलाड़ी हैं तो सिर्फ यह काफ़ी नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिस के हर पल पूरे सीजन के जरिए और चैम्पियनशिप जीतने के हक के जरिए से हाई फाइव करते हैं तो यह आपके लिए सेलिब्रेशन और प्रमोशन का कल्चर बनाता है, सेल्फलेस रूप से अपना सब कुछ देने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 5, दयालु बने। जब रिसर्चर्स उन सभी चीज़ों को रिसर्च कर रहे थे जिन्हें आप अपने जीवन बदल सकते हैं, जो आपके जीवन की क्वालिटी पर मीनिंगफुल इफेक्ट डालते हैं, तो आपको एक सबसे ज़रूरी बदलाव करने की ज़रूरत है। यह बदलाव खुद की तरफ दयालु होने की आदत को बनाना है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के रिसर्चर्स ने खुशी और संतुष्टि पैदा करने वाली चीज़ों पर एक रिसर्च किया। उन्होंने बिहेवियर और आदतों की एक पूरी चेन को देखा जो आप अपने जीवन को बेहतर कर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज करने से लेकर नई चीज़ों की कोशिश करने के लिए, अपने रिश्तों पर काम करने के लिए, दूसरों की तरफ दयालु होने के लिए, उन चीज़ों को करने के लिए जो आपके लिए मीनिंग की भावना लाते हैं, अपने गोल्स पर काम करने के लिए, आप इसे नाम देते हैं। अपने जीवन में खुशियाँ और संतुष्टि महसूस करने के लिए सबसे पहले खुद को स्वीकार करें, मतलब आप अपने आप की तरफ कितने दयालु हैं और आप खुद को खुश करने के लिए क्या किया। इसका आपकी खुशी पर सीधा और प्रोपोर्शनल इफेक्ट पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो अपने आप की तरफ दयालु होने में आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। फिर भी खुद को स्वीकार करना वह चीज़ बन चुकी है जिसकी हम सबसे कम अभ्यास करते हैं। यही वजह है कि आप हमेशा जैसे ही उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और इसका असर हमें जिम में साफ साफ देखने को मिलता है। आप खुद को स्वीकार करने के बजाय बदलने के लिए लगातार कोशिश करते रहें, इसके बाद भी आप सोचते हैं कि आप अभी भी काफ़ी नहीं कर रहे हैं या इसे सही नहीं कर रहे हैं। यही कारण कि अपने आप की तरफ दयालु होना वास्तव में मायने रखता है। इसकी शुरुआत करने के लिए आप जैसे ही वैसे ही खुद को स्वीकार करें। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते। हम में से किसी को भी यह नहीं सिखाया गया है कि आगे बढ़ने की शुरुआत कैसे करनी है, जबकि यह काफ़ी आसान है। जिन लोगों के माता पिता खुद पर हर्ष थे, वे बदले में अपने बच्चों के लिए भी हर्ष होते हैं। सीधे बच्चों में कहें तो कुछ लोग एक ऐसे माहौल में पड़े होते हैं जो खुद को कमज़ोर समझते थे। यही वजह है कि जिससे जिन लोगों के आसपास का माहौल ऐसा रहता है, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। एग्जाम्पल के रूप में आप एक ऐसी माँ के साथ बड़े हो सकते हैं जिसने खुद की क्रिटिसिज्म की, या जो खुद के लिए समय निकालने के लिए दोषी महसूस करती थी, या एक पिता जिसने अपनी भावनाओं को कभी एक्सप्रेस नहीं किया और अपने सेल्फ वर्थ को इस आधार पर मापा कि उसने क्या कमाया था, या उसने घर के बाहर उसे सफलता कैसे हासिल की। अगर आप अपने आप पर हार्श हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने बच्चों को कमज़ोर बनाते हैं। इसलिए ऐसा करने के बजाय उन्हें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें। अगर आप एक बच्चे के रूप में इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चों को इन सब का सामना न करना पड़े। हालांकि ऐसा करना हर बार में संभव नहीं होता है, कभी कभी आप हार्श हो सकते हैं, लेकिन इसके बदले अपनी गलती को मानें। जब कभी भी आप ऐसा करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके माता पिता ने वही दोहराया जो उनके साथ किया गया था। चैप्टर 7, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। मैं इसे कैसे शुरू करूं? किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह सवाल अक्सर सभी के मन में आता है, जबकि शुरू करना बहुत ही आसान है। अब अगर बात की जाए हाई फाई हैबिट को अपनाने की, तो हर सुबह इससे पहले कि आप अपने फ़ोन को देखें या दुनिया भर की चीज़ें अपने दिमाग में डालें, अपने रिफ्लेक्शन के साथ रहने के लिए एक पल लें। क्योंकि जब आप इस बाथरूम को छोड़ते हैं तो लगभग हर पल दूसरे लोगों के बारे में होने वाला है। आप अपने फ़ोन में भटक सकते हैं कि काम पर क्या हो रहा है या आपके बच्चों को क्या चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि हाई फाई हैबिट आपके लिए हर सुबह एक पल है। इसमें दो आसान लेकिन शक्तिशाली स्टेप हैं। शीशे के सामने खड़े होकर बस एक सेकंड के लिए
अपने आप के साथ रहें और जब आप तैयार महसूस करते हैं तो शीशे में खुद को हाई फाई दें। क्वेश्चन, हाई फाई किसी और को क्यों नहीं? जब आप दूसरे लोगों की एक्सेप्टेंस में अपनी कीमत की तलाश करते हैं तो आप गलत शीशे में देख रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप खुद को पसंद नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया पर 1 मिलियन लाइक का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए दूसरों की पसंद को देखने के बजाय खुद को पसंद करना शुरू करें और खुद की बड़ाई खुद करने पर ध्यान दें। क्वेश्चन, कोई इतना आसान काम क्यों करता है? कहने को तो इस आदत को अपनाना बहुत ही आसान होता है और असल में इस आदत को अपनाना सही मायने में काम भी करता है। यह आसान होगा यह सोचना ही सबसे बेवकूफ़ बात है जिसे आपने कभी सुना है, लेकिन इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। अब सोचिए, अगर हाई फाई हैबिट्स को अपनाना इतना ज़्यादा आसान है तो आप इसे कैसे करेंगे? यह टूल सिर्फ अब तभी काम करता है जब आप उनका इस्तेमाल करते हैं। आपके बिहेवियर में बदलाव सिर्फ तभी होता है जब आप बिहेवियर को दोहराते हैं। Chapter 8, अगला कदम, एक हाई फाई सुबह। अब तक हमने हाई फाई हैबिट के फायदे और हाई फाई हैबिट को बनाने के तरीके के बारे में जाना है। आपने जान लिया होगा कि हाई फाई हैबिट को अपनाकर आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना, हाई फाई हैबिट को अपनी आदत बनाने के लिए हर सुबह अभ्यास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाई फाई हैबिट सुबह का एक पल है। तो आइए अब जानते हैं कि हाई फाई सुबह की शुरुआत कैसे की जा सकती है। एक हाई फाई सुबह आसान वादों की तरह है जिसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। हर एक वादा रिसर्च के जरिए से किताब में शामिल किया गया, जिसे करना बहुत ज़्यादा आसान है। और जब आप खुद से इन वादों को पूरा कर लेते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं जिससे आप खुशी और संतुष्टि हासिल कर सकते हैं। अब बस फाइव हैबिट को अपनी नई आदत बनाने के लिए किताब में बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें। अपने आप को पहले रखें, अलार्म बजने पर उठें, अपने आप को बताएं कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। कहो, मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे खुद से प्यार। अपने आप को एक गिफ्ट दें, अपना बिस्तर बनाएं, अपने आप को मनाएं, शीशे में खुद को देखकर हाई फाई दें, अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सुबह वर्कआउट जरूर करें। कंक्लूजन, तो फ्रेंड्स, हमने जो लेसन पढ़े अब उसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। पहला है, भरोसा करें कि आप हाई फाई जीवन अपनाने के लायक हैं। दूसरा, शीशे के सामने खड़े होकर अपने इनर सेल्फ की मौजूदगी को महसूस करें। तीसरा, मोटिवेटेड महसूस करने के लिए खुद को एक हाई फाई दें। चौथा, खुद के तरफ दयालु बने और आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करें। पांचवा, खुद की बड़ाई करने के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। छठा, हाई फाई हैबिट को अपनी नई आदत बनाएं। सातवा, अपने जीवन में बेहतर बदलाव लाने के लिए हाई फाई हैबिट को बनाने वाले वादों को पूरा करें।